हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट पैटर्न है 2020 का, उसके अनुसार आपको एग्ज़ाम में कैसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए मैथमेटिक्स पेपर का, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सबसे पहले देखो, आपको जो सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, वो सेक्शन वाइज करने हैं, ठीक है। अब कई बच्चों का डिमांड ये आ रहा था कि सर, सेक्शन ए के जो क्वेश्चन टिक मार्क आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको क्या सॉल्व करके दिखाना है? बिल्कुल नहीं, सॉल्व वो तो आपको करना ही होगा, लेकिन वो आप रफ काम में करोगे पीछे। लेकिन जो आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको ऐसे लिखना है, सेक्शन ए डाल दिए यहाँ पर, और जो भी सेक्शन करोगे उसको एक ही जगह करना है। ये नहीं कि सेक्शन ए के पाँच यहाँ कर लिए, पाँच बाद में करेंगे, ऐसा नहीं, सारे एक जगह करने हैं। आंसर्स लिखोगे, फर्स्ट का ए आंसर बस उतना ही लिखना है, सेकेंड का बी, थर्ड का सी, ऐसे लिख दो। फिर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स वाले, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो, फिर आपको पांच जो क्वेश्चन मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले मिलेंगे। तो पांच फिल इन द ब्लैंक्स वाले आंसर भी ऐसे लिख दो, जैसे ये पांच मैंने लिख दिए। लेकिन जो 16 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के, वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर सोल्यूशन देने हैं, वही मैंने लिखा है प्रॉपर सोल्यूशन नोट। ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये गलती से मैंने लिख गया था यहाँ पर, इसको छुपा दो, ऐसे लिखना होगा आंसर नंबर 16, और प्रॉपर तरीके से लिखना एकदम, जैसे यहाँ पर। और इन क्वेश्चनों में ऐसा मत करना कि गिवन, ये निकालना है, ये दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है, उतना डिटेल नहीं में नहीं जाना है। जैसे डायरेक्ट मोड, जैसे ये क्वेश्चन है मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन, तो मोड जो दे रखा था मैं डायरेक्ट रख दिया, ठीक है, मीडियन निकालना है उसे एम से डिनोट कर दिया, मीन जो दे रखा था वो मैं रख दिया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, और आंसर हमारा कितना आ गया 7। और हमेशा आंसर्स को बॉक्स के अंदर ही बंद करके लिखना है ऑलवेज। ये तो बात रही सेक्शन ए को आपको कैसे लिखना है, ठीक, और ज़्यादा इस लाइन के नीचे तो बिल्कुल कभी भी नहीं जाना है, ठीक। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, देखो इसको कैसे लिखा जाएगा प्रॉपर। आपको एक लाइनिंग यहाँ पर कॉपी में मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, आप चाहो तो उसी के ऊपर साइड थोड़ा लाइन खींच सकते हो, ना खींचो तो भी चल जाएगा। लेकिन कई बच्चे रफ का कार्य पीछे करते, उस पर आपको पन्ने पलट पलट के करने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोड़ दो रफ काम के लिए, ठीक है, और थोड़ा भी जो कैलकुलेशन वगैरह हो यहाँ पर कर लो तुरंत, और रफ के लिए जो यहाँ पर लिख दिया, और बाद में इसको एकदम से काट दो। हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। आपके पहले कुछ पेजेस में तो बिल्कुल भी कटपट होना ही नहीं चाहिए, पूरे पेपर में ना हो ये तो करो कोशिश, लेकिन कभी कभार हो जाता है, अगर गलती हो जा रही है तो यूं 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 नहीं काटना है, बस एक लाइन से ऐसे कर देना है कट। कैसे लिखोगे? जैसे सेक्शन बी लिखा मैंने, आप क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फिर सॉल्व करना है। इस पे क्या करोगे आप, कैसे लिखना है, जो गिवन है वो लिखोगे और जो प्रूफ करना है वो भी लिखोगे, प्रॉपर वे में लिखना है। कोई एक फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो तो उसको भी मेंशन करना है, जैसे यहाँ पर sin 90 - θ cos थीटा होता है। और जो आंसर लिखना है आपको मिडल से लिखना है, बीचों बीच एकदम प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक के नीचे एक, इक्वल के नीचे इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल, ऐसे लिखना है। और जो आंसर आया मैंने उसे बॉक्स में बंद कर दिया। एक क्वेश्चन हो जाए तो दूसरे क्वेश्चन में आने के लिए, जैसे मेरे पास इतना पेज बच गया था, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। सपोज करो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आके अटक गया था और 2-3 लाइन बचा हुआ, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू मत कर देना, आपको दूसरे पेज पर शुरू करना चाहिए। और हमेशा इस वाले पेज पर प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिखना, ठीक है, इस वाले पेज पर प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिखना। और कोई फिगर वाला क्वेश्चन हो तो फिगर बना के दिखा दूँ, ठीक है, फटाफट आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ किए हैं, ठीक है। मार्कर वगैरह नहीं लेना है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे ही लिखना, जैसे गिवन हमें ये दे रखा था थीटा आर, हमें क्या फाइंड करना है वो लिखोगे, ठीक है, जैसे पूछा जाए वैसे ही लिखोगे। ये देखो इसके आंसर हमें ऐसे लिखने पूरा, ठीक, जैसे पूछा जाएगा वैसे, जैसे वैसे लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर पूछा हमसे, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुटअप किया, सॉल्व किया, और फिर वर्ड प्रॉब्लम में पूछा था तो क्या लिख दो लास्ट वर्ड, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द आर इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, और फिर इसको बॉक्स में बंद कर दोगे, और ये आपका आंसर है। रफ के लिए थोड़ा सा जगह साइड में बचा के रखते हैं, ठीक है, और फिर 2 लाइन छोड़ के फिर क्वेश्चन नंबर 23 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, कर दिया हमने, और फिर इसका आंसर इसको बॉक्स में छोड़ना है। ऐसे ही चीज़ें करनी है, जो सेक्शन आप पकड़ रहे हो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को एक ही जगह करना है, और इस पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, हमेशा याद ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही आपको सेक्शन सी में करना है,
और एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ कि जैसे ही आपको टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, सो नोटबुक में आप चीज़ें फिल करने से पहले या फिल करने के बाद फटाफट क्या करो, जो चीज़ आप भूल सकते हो वो लास्ट पेज में लिख लो और उसे बाद में रफ करके एक लाइन से काट देना। जैसे फटाफट क्या कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख लिया जो हम भूल सकते हैं, या फिर जो चीज़ जो फॉर्मूला आप भूल सकते हो फटाफट वो लिख दो, जैसे कि 1 + 10² = 6² हो गया, कोई फार्मूला हो गया जो आप लोग को लगता है कि मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, वो यहाँ लिख दो और बाद में उसे एक पेन से काट दो। क्लियर? अब बात आती है ग्राफ पेपर की, ग्राफ पेपर को आपको कैसे करना चाहिए। सो ग्राफ पेपर को देखो, भरने का मैंने लिया है, सारे मेजरमेंट लिखने हैं आपको, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का एक्स डैश है, ये वाई है और ये नीचे वाई डैश है, सारे मेजरमेंट लिखने हैं आपको। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के लिए ले रहे हो आप, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर के लिए ले रहे हो, तो ऐसे लिखना है आपको, और रोल नंबर भी आपको यहाँ अपना लिखना चाहिए, और जो प्रॉपर आंसर आएगा उसे भी आपको ग्राफ पेपर पे ही लिखना है, ठीक है। और इस ग्राफ पेपर को आपको बाहर अटैच नहीं करना है क्योंकि ये फट सकता है, उखड़ सकता है। सो आपको ऑलवेज ग्राफ पेपर इसके अंदर डालकर ही आपको ऐसे करके स्टेपल करना होगा, तभी टिकाऊ रहेगा, तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रख के प्रेजेंट करोगे तभी एग्जामिनर को चेक करने में मज़ा आएगा। एग्जामिनर के साथ थोड़ा इधर दो कर लिए, उधर तीन उधर कर लिए, ऐसे करोगे सो आपको काट देगा, सारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको चेक करने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। सो ऐसी गलतियां में नहीं करनी है, और क्वेश्चन का लेवल जैसे पूछा जा रहा है वैसे ही हमें अपना आंसर देना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखोगे तो ज़रूर नंबर अच्छे आएंगे।